हेलो नमस्कार, आरपी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य जो है अगले 12 दिनों के दौरान जो है वो भारत के तमाम राज्यों में मौसम कैसा रहेगा। आप मैप में देख पा रहे हैं कि भारत के भागों में जो है वो क्लाउड किस प्रकार से देखा जा रहा है, जहाँ पर जो है वो बारिश की संभावना नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी में जो है वो इन 12 दिनों के दौरान जो है वो 2 डिप्रेशन बनने की संभावना है। एक जो अभी लो प्रेशर सिस्टम बना है वो उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और एक और जो है वो 9 अक्टूबर के आसपास जो है वो मध्य बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और उसके बाद जो है ये दक्षिण भारत की तरफ रुख करेगा और दक्षिण भारत के तटवर्ती रीजन के पास में जो है वो डिप्रेशन का रूप लेगा। तो इस प्रकार से अगले 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते अगले 12 दिनों के दौरान जो है वो भारत के लगभग 90% के आसपास भागों पर जो है वो बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जो है वो छोड़कर के लगभग सभी भागों में बारिश होने की संभावना है। अगर हम बात करें 4 से 8 अक्टूबर के मध्य बारिश की संभावनाओं की, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के साथ साथ जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो इलाका है, यहाँ पे जो है वो इस दौरान जो है वो मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। जबकि हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, तेलंगाना, इन भागों में जो है वो हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। जबकि 7 और 8 अक्टूबर को जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी भागों के साथ साथ उत्तराखंड और नेपाल में जो है वो भीषण वर्षा के दौरान देखने को मिलेगी। और जबकि 8 से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य जो है वो दक्षिण भारत में भी जो है वो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें तमिलनाडु, कोस्टल जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंतरिक कर्नाटका, केरला और जो है वो कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में जो है वो बारिश की गतिविधियाँ जो है वो 9 से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते जो है वो भारत के लगभग सभी राज्यों में बारिश की संभावनाएं अगले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ जो है वो पश्चिमी पंजाब के इलाकों में भी जो है वो ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब और जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे जो है वो 9-10 अक्टूबर के आसपास कुछ स्थानों पे जो है वो 11 अक्टूबर तक जो है वो हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा ज़्यादा बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रही है। गुजरात के भी जो है वो सौराष्ट्र रीजन में जरूर जो यानी कि 11 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन कच्छ रीजन में ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और उसके बाद जो है वो 15 अक्टूबर के आसपास जो है वो बंगाल की खाड़ी में फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र डेवलप होगा, जिसके चलते जो है वो फिर से जो है वो पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी जो है वो बढ़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के अगले 12 दिनों के दौरान जो है वो भारत के राज्यों में मॉनसून हालांकि विदा हो चुका है, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो है वो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में अगले 12 दिनों के दौरान जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें विशेष करके जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो है 9 से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य जो है वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ साथ केरला के इलाकों में जो है वो भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से वेदर रहने की